एक्टर कीर्ति जी के साथ कैसे रहा, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया। 10 on 10 आज 10 नहीं 6 कहेंगे, 6 नहीं, अपना क्रिकेट की बात हो रही ना, 6 out of 6 वंडरफुल। तो चलिए आप स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के बाहर चलिए, माइक वहां है तो सोनम से भी सवाल करते हैं। सोनम कैसे रहा कंप्लीट टीम के साथ, आपका शायद ये सबसे पहला अनुभव है? ये मेरा सबसे पहला अनुभव है एक्टिंग में, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट फिल्म एंड आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग बेटर। बहुत ही बढ़िया टीम रही है हमारी, हमारी वर्कशॉप्स बहुत ही रियल ग्रास रूट लेवल पे हमें सिखाया गया, बिहार जाके हमने शूट किया, काफ़ी दिन वहाँ पे रहे, मिस्टर झा, मिस्टर तिवारी और स्पेशली हमारे जो डायरेक्टर सर हैं। आज टीचर्स डे भी है, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी आदमी से, किसी शख्स से सीखा है तो इनके साथ जो मेरी बातचीत हुई है उससे सीखा है मैंने। माई डायरेक्टर हैज़ बिन अ वेरी बिग टीचर फॉर मी, लॉट ऑफ मुझे बहुत सारे, मैं एक बड़े शहर दिल्ली की लड़की थी और जाके बिहार में शूट कर रही थी और इस पूरे मुद्दे को समझ रही थी, कीर्ति जी के साथ बैठती थी, अच्छा क्या फिल्म है, क्यों बना रहे हैं, क्या हुआ सर, आप अपनी स्टोरी बताइए सो दैट आई कुड गेट इनटू द कैरेक्टर। तो आई थिंक इससे बेहतर टीम तो हमें मिल नहीं सकती थी। एवरीबडी हैज बीन रियली नाइस। यस ब्रिलियंट, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हाँ जी, तो मेरी भूमिका है एक न्यूज एंकर की, एक स्टार न्यूज एंकर की जो, और ये फिल्म जो है आप मेरी नजरों से देखेंगे, एक स्टार न्यूज एंकर जो इस स्टोरी को कवर कर रही है, शी स्टम्बल्स अपॉन दिस स्टोरी। ये स्टोरी अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन ये भूमिका एक न्यूज एंकर की है और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। अब जब आप सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी और फिर पूरा डिस्कस करूंगी, ठीक है? Thank you. You're the star of India's first day and night match jo India mein khela gaya tha uska. Thank you sir. Kitne nostalgic the jab ye film bana rahe the. Dekhiye un dono ko jod to sakte nahi. लेकिन खेल के लिए जो मन में एक पैशन है, चाहे आप क्रिकेट के मैदान में खेल रहे थे या फिर उन बच्चों को, उपेक्षित बच्चों को जिनको अवसर नहीं मिला था उनको खिलाने का प्रयास कर रहे थे, केवल एक था लक्ष्य क्रिकेट, उसके अलावा और कुछ नहीं। और हमारे यहां कहते हैं अरे भाई क्रिकेट कब खेलने के लिए जा रहे हो भैया, तो हम लोग क्रिकेट खिला रहे थे, वो प्रयास था। लेकिन देखिए जब वह पाकिस्तान के विरुद्ध था, फर्स्ट डे नाइट गेम था, विश्व कप हम लोग जीतकर 1983 में आए थे, पहला मैच था, 21 सितंबर 1983 का गेम था, मैच हार गए थे। ऐसी परिस्थिति में आप लोग कभी जागरण जाते होंगे, जागरण में जाते हैं, जागरण में गए होंगे, जब रात को जगते होंगे और माता का जागरण होता है और वहां पर दुर्गा माँ काली माँ सबकी पूजा होती है अर्चना, तो उसके अंदर क्या होता है कि लोग को आपने देखा होगा झूमते हो जय माता दी जय माता दी, तो लोग बोलते हैं उनको माता आ गई है। तो उस रात को मुझे पाकिस्तान आ गया था, तो लोगों ने टीवी सच में बांध दिया था। लेकिन वह खेला मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात थी व्यक्तिगत रूप से, लेकिन एक भारतीय होने के नाते जो 1983 का विश्व कप जीता, अभी भी सिरन दौड़ती है मेरे शरीर में, वैसा अनुभव कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। वैसे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, यदि बना भी तो भी वो फीलिंग नहीं आ सकती क्योंकि मैं देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा था। इस बात का बॉल बनता है भैया। हाँ जी, एक मिनट रुक जाइए, कैच करवाता हूं आपको, करिए कैच। जी 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 देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर सिनेमा बनता है, वो तो सोचते नहीं है कि हमारे ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा। यह हम लोग बम्बई आए थे और यहीं पर ठहरे थे जब पूरी टीम को बुलाया गया था और किसी ने कहा था कि वो 83 के केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं लेकिन पूरे जो 14 के 14 मेंबर थे और एक मैनेजर थे सबके ऊपर एक कहानी बनाना चाहते हैं क्योंकि वह पायदान था।
क्रिकेट की सबसे पहली जीत का और उसके बाद लोगों के लिए आगे बढ़ने का, क्योंकि उससे पहले हम एकाध सीरीज जीते थे जरूर विदेशों में, लेकिन वह क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत थी, सबसे पहली जीत। और उसके ऊपर कबीर खान मेरे स्कूल के जूनियर भी हैं, दिल्ली में पढ़ते थे, मॉडर्न स्कूल में मैं भी पढ़ता था। तो यह पहले फैंटम वालों से बात हुई थी और उसके बाद फिर कबीर खान को उसमें डायरेक्टर रखा गया था और सिनेमा आके बनकर मार्च 2020 में आएगी। लेकिन उससे पहले हम जरा एक अपना ट्रेलर दिखा देंगे आपको उस क्रिकेट में। जी है बोल, अब बच्चा है तो बताओ कहाँ गए भैया हाथ किधर? क्रिकेटर नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आपके लिए हल्का बॉल रखा है। क्या बात है, देखिए आज भी परफेक्ट थ्रो है, किसी भी पाकिस्तानी को रन आउट कर सकता हूं। हमने हमेशा देखा है कि चाहे वो मैच हो या पॉलिटिक्स, हमेशा पॉलिटिक्स होती ही हर जगह, लेकिन इस फिल्म में कितना दिखाया गया है? वही सब चीज का तो आनंद लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता दूं पॉलिटिक्स और खेल में क्या होता है अभी, तो वो सारा पूरा कवर हो जाएगा हिंदुस्तान में और विदेशों में, इसलिए आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा, आपको आनंद सच में आएगा। जो सच्चाई सामने रखी है हमने वह आप देख पाएंगे। फिल्म तो पूरी जो बनी है वो पूरी की पूरी बहुत अच्छी बनी है, उसमें अच्छा बुरा सब कुछ है, सच्चाई 100% है। इधर किधर? इधर सामने सामने, बिल्कुल आपके सामने, कैमरे के पीछे। अच्छा अच्छा, ओ हाँ ला ला, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है सर। वैसे तो 83 में सारे भारत ही हैं, लेकिन आपके हिसाब से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसपे एक बायोपिक, दिलचस्प बायोपिक बननी चाहिए? देखिए एक का नाम लूंगा तो उचित नहीं होगा। नहीं नहीं, मतलब है सारे 11 है, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक ऐसा स्पेशल आदमी होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब विश्व कप के लिए हमारी टीम सेलेक्ट हुई थी तो उसमें से हम में से 5 या 6 लोग इंग्लैंड में खेल रहे थे, मैं भी खेल रहा था, तो बाकी लोग वहां काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। तो बाकी लोगों ने यह कहा था कि लीग मैच में जैसे ही मैच खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद सब कोई अपना अपना टिकट न्यूयॉर्क यूएसए के लिए करवा लें, क्योंकि यहां से हम लोग सीधा वहां मैच खेलने के लिए जाएंगे और उसके बाद फिर इंडिया वापस चले जाएंगे। हमने सोचा ही नहीं था कि हम सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाएंगे। एक आदमी था, केवल एक आदमी, और उसका हम लोग खूब मजाक उड़ाते थे, कपिल देव। विश्व का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर अपने जमाने में, भारत जैसी विकेट पर बॉलिंग करने के बाद 434 विकेट जिस आदमी ने ली, उसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है। 5000 से ज्यादा टेस्ट रन है उनके, फील्डर किसी टीम में फील्डिंग के नाम पे आ जाते हैं। उन्होंने कभी भी अपने मन से ये बात नहीं छोड़ी, क्योंकि वो असली फाइटर था। फाइटर तो हम लोग भी है, लेकिन हम लोग कहते थे कहां जीतेंगे, अरे मौका ही कहां मिलने वाला, कुछ होने वाला, बट उसके मन में वो था कि हम जीतेंगे। तो अगर बायोपिक उस टीम में से किसी का बनना चाहिए तो कपिल देव का बनना चाहिए। सुपर, लाइए एक मिनट, गेंद तो फेंकने दीजिए, कहां है सर आप? जनरल डायरेक्शन। और कौन थे? मैडम, मैडम को तो एक उनके उन्होंने दे दिया था। बॉल खत्म है, बॉल खत्म है। हाँ जी, करेक्ट। I have not said anything that would get an adverse reaction. But yes, there are certain facts that will come to fore in front of the people. Okay, sir, और कोई? मेरा यही बहुत होलिया मेरे लिए। हाँ ये तो मैं वैसे भी करता हूँ, आई प्रेजेंट, आई होस्ट शोज ऑल्सो, तो मैं तो आई वॉज प्लेइंग माई ओन सेल्फ अगेन, तो ऐसी ये एक्टिंग करने वाली बात नहीं है। और वैसे भी आपको बता दूँ कि एक्टर्स को एक्टिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्रिकेटर्स को बहुत कम होती है।
अगर आप देखें कि बिना आप स्क्रिप्ट के आप 40-40 मिनट बोल लेते हैं और किसी एक्टर को बोलने को कहेंगे तो वो कहेगा पहले मुझे रट्टा मारने दीजिए, और ये हुआ है हमारे साथ। तो क्रिकेटर्स की ये है कि एक होता है कॉन्फिडेंस, और क्रिकेटर्स को होता है ओवर कॉन्फिडेंस, तो उसका फायदा है। और हमारे फिल्म में अतुल ने तो किया ही किया है, मनोज प्रभाकर ने किया है, मनिंदर सिंह है, विवेक राजदान है, तो इन सबों ने आकर के इस फिल्म में अपना योगदान दिया है। आप सबने मनोज प्रभाकर का नाम सुना होगा, ऑलराउंडर है, मनिंदर सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, विवेक राजदान इंडिया के फास्ट बॉलर थे, तो लोग सबों ने अपना अपना योगदान इस सिनेमा में दिया है, जिस प्रकार से आपने अतुल को देखा है। लेकिन हमारी फिल्म अतुल से शुरू होती है और अतुल पे खत्म हुई, आपने देखा हमारे ट्रेलर में। देखिए ऐसा है कि बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको मान्यता मिली है। मैं कोई इनके बारे में आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वह उसको चलाने के काबिल नहीं है। एक दो केसेस पटना हाईकोर्ट में हुए हैं, पुलिस में भी केस हुआ है, जहां पर कुछ लोगों ने स्टिंग किया था जिसमें पैसे लेने देने की बात चल रही है। बिहार में दिल्ली से लोग वहां का डोमिसाइल लेके या फिर हिंदुस्तान के दूसरे जगहों से वहां पर वहां का पता देकर बिहार में खेल रहे हैं, और जो असली प्रतिभा बिहार की है जिसको अवसर नहीं मिल रहा है, जिस विषय पर हमने अपनी तरफ से बात करने का प्रयास किया है, वह आज भी हो रहा है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके इंटरवेंशन से कुछ स्थिति वहां बेहतर हो सकती है? देखिए, मेरे हाथ में अगर रहता तो मैं जरूर कर पाता। आज वहां स्टेडियम नहीं है उनके पास, अपना कार्यालय नहीं है। कुछ सालों के बाद एक और ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत पड़ेगी? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर उतरूंगा मैदान में। सर, माय नेम इज कपिल जैन, आई एम फ्रॉम बॉलीवुड क्रॉनिकल। आपका एक ट्वीट है 2015 से, हेलो डियर अरुण जेटली, हैम्पर डिफेमेशन फाइल कर रहे हो ना, प्लीज करो ना। सर, आपके जो रिश्ते हैं, जितना हमने आपके बारे में जाना है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब अरुण जेटली साहब भी थे, आप भी थे, वहां से लेकर जब आप पॉलिटिकल करियर में भी आए, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता लंबा खिंचता चला गया। आज अरुण जेटली साहब यहाँ नहीं है, लेकिन जो DDCA या BCCI का जो ED का सूट हुआ था, जिसमें कि IPL और BCCI को पार्टी बनाया गया था, उसमें आपने 2015 के दिसंबर के महीने में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद आप पर एक्शन भी हुआ। I understand this is not a political, forum, but what are your thoughts at this stage? Well, whatever I am saying, nobody is involved. So it should not be taken that what I am saying means everybody else says yes to me. Because I have been very strong on my conviction and straightforwardness. I have had great times with Arun Jaitley, may God rest his soul in peace. भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। मेरे बहुत बहुत अच्छे दिन हमने कुछ उनके साथ गुजारे। कुछ ऐसे क्रम बीच घटनाएं हुई जिसको लेकर हमारे रिश्ते खट्टे हुए, द रिलेशनशिप वेंट सार। आई नेवर मेंट टू बी पर्सनली अगेंस्ट हिम, एंड इट वॉज नेवर अ पर्सनल एजेंडा अगेंस्ट हिम, इट वॉज अगेंस्ट the maladministration and malfeasance that was taking place in DDCA, for which I kept Arun informed all the time. And it's not that I say it, वहां पर जो भी वित्तीय अनियमितताएं हो रही थी या प्रशासनिक गड़बड़ियां हो रही थी, वह सदैव अरुण जेटली को बताता रहा, चिट्ठी लिखता रहा, मेरे पास रिकॉर्ड पे है। उसके बाद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस ने भी उसके ऊपर जांच की और कहा कि हां, 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने DDCA में एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया,
रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट श्री मुकुल मुडगिल, जस्टिस मुकुल मुडगिल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विक्रमजीत सेन, उन्होंने भी फॉरेंसिक ऑडिट कराई और उन्होंने भी कहा कि घोटाला हुआ। इसी चीज को मैंने उजागर किया, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि यह पार्टी के विरोध में कोई बात नहीं थी, एक निजी संस्था थी डीडीसीए, जिसके खिलाफ सबूत के समेत मैं बाहर गया था लेकिन मुझे पार्टी ने निकाला। जवाब आज भी ढूंढ रहा हूं, मुझे मिला नहीं है। सर एक और क्वेश्चन है। सर आपने सेल जो कंपनी है SAIL उसे ज्वाइन किया था ताकि आप बिहार से खेल सकें, तो क्या कारण था कि आपने बिहार से नहीं खेलकर फिर आपने दिल्ली से खेला और उसके बाद आप नेशनल खेले? देखिए, बिहार से खेलने की कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं किसी के लिए। 1982 में जब मैंने सेल ज्वाइन किया तो मैं दिल्ली से रणजी ट्रॉफी खेल रहा था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से खेला रोहिंटन बारिया और विजी ट्रॉफी, उसके पहले मैं दिल्ली में खेला, दिल्ली के स्कूल्स के लिए खेला। तो शुरू से मैं, क्योंकि दिल्ली में पढ़ा, दिल्ली में रहा था, इसलिए दिल्ली से खेला, मुझे बिहार से खेलने का अवसर नहीं मिला और उसी कर्ज को अदा करने के लिए मैं गया था। उसके बाद जो फिल्म बनी है, ये सारी चीजें आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से मैंने अपना बिहारी होने का कर्ज, एक मिथिला का बेटा होने के कर्ज को पूरा करने का प्रयास किया। ओके, फाइनल क्वेश्चन, बॉल है, एक है।